हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च को उत्तराखंड हाईकोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी वो क्या रह सकती है। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे इसके लिए जो टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कनिष्ठ सहायक के लिए हो या शॉर्ट हैंड के लिए हो, अलग अलग जो भी इसमें रिक्वायरमेंट क्या मांगी गई है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो 17 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, ये 140 मार्क्स का था, ठीक है। तो 140 मार्क्स का कुल ये क्वेश्चन था, जिसमें 14 मार्क्स का आपसे हिंदी का पूछा गया था और 85 के अराउंड इसमें आपको जीएस से प्रश्न पूछे गए थे। साथ ही जो 40 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आपसे उत्तराखंड से पूछे गए थे, ठीक है, उत्तराखंड के जीएस से यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। तो ओवरऑल जो देखा जाएगा, इसमें जो जीएस का पोर्शन था वो काफ़ी यहाँ पर टफ़ या कह सकते हैं हम कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो जीएस का पोर्शन जो था थोड़ा टफ यहाँ पर था, और हिंदी और जो जीएस उत्तराखंड की जीएस थी वो लगभग जो है ठीक ठाक आपसे पूछी गई थी। तो बात करें इसके कट ऑफ की, इसकी जो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद कई सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर यहाँ पर गलत दिया गया है, उसमें भी हो सकता है कि उसको चेंज किया जाएगा उन ऑप्शंस को, या हो सकता है क्वेश्चन वो डिलीट हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसमें जीएस में है और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे उत्तराखंड से भी पूछे गए थे जो कि गलत यहाँ पर दिए गए हैं उनका जिनका आंसर, ठीक है। इससे चार प्रश्न ऐसे हैं जिन पर जो कि जो इसके जो रिवाइज आंसर की आएगी उसके बाद हमें ही एग्जैक्ट इसका पता चल पाएगा, ठीक है। तो बात करें अब इसके कट ऑफ की, क्या जा सकती है ऑफिशियल आंसर के आने के बाद। तो सबसे पहले अगर आपको बता दें दोस्तों, अगर हिंदी में बेसिकली अगर हम एवरेज मान के चले, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लेके चले, तो हिंदी में जो 14 नंबर का पोर्शन था, अगर उसमें से किसी के 10 क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सही होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट इसमें आपको पता है बहुत कम है, तो इसलिए हम इसमें जो मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं उसको लेके हम चलेंगे, क्योंकि जो मेरिट है इसकी लगभग हाई जाने वाली है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हिंदी में लगभग अगर किसी के 10 नंबर भी आते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद जो जीएस का पोर्शन है जो कि काफ़ी टफ पूछा गया था, अगर हम इसमें देखें तो लगभग 60 से 65 प्रश्न ऐसे थे जो बेसिक जो जीएस की आप तैयारी करते हो उससे रिलेटेड पूछे गए थे। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे गए थे वो थोड़ा डिफिकल्ट थे और आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड पूछी गई थी। तो उनको अगर हम छोड़ दें तो लगभग 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जो बेसिक जीएस है उससे पूछे गए थे, और उसमें से भी अगर किसी के 40 to 45 आते हैं, तो हम एक मैक्सिमम लेके चलते हैं, तो 45 अगर किसी के आते हैं बेसिक हम लेके चलेंगे, तो 45 मार्क्स जो है आपके जीएस में आते हैं। और जो यूके यानी उत्तराखंड की जो जीएस है, अगर इसमें जो 40 मार्क्स का था इसमें से लगभग किसी के 30 से 35 के बीच में भी आते हैं, तो हम इसको लेके चलें तो इसका जो टोटल सम आपका बन जाएगा 85 यहाँ पर आपका बन रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक क्राइटेरिया हम लेके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जो मेरिट आएगी उसमें 85 प्लस वालों को कहीं ना कहीं टाइपिंग के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 85 प्लस वालों को टाइपिंग की तैयारियाँ यहाँ पर शुरू करनी चाहिए, क्योंकि 85 प्लस वाले जो है उनको यहाँ पर बुलाया जा सकता है। और फाइनल जो इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है वो थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो जनरल वॉइस की अगर मैं बात करूँ तो 85 प्लस वाले अपने आप को सेफ लेके चले और टाइपिंग की तैयारियाँ यहाँ पर शुरू करते हैं, ठीक है। और वहीं अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो इनसे 2 या 1 नंबर कम आप लेके चलें, जैसे ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं 2-3 नंबर कम लेके चलें, या जब एससी वाले हैं तो वो कम लगभग 80 प्लस वाले जो हैं ये अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। 80 to 85 प्लस के बीच वाले जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए टाइपिंग के लिए उनको बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर में कम ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन हो, लेकिन जो 80 प्लस वाले हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें रेस में है और उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ये था इसके दोस्तों कट ऑफ की बात करी। अब देख लेते हैं इसकी जो टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें क्या क्या यहाँ पर मांगा गया है। तो ये हमने बात करी इसकी कट ऑफ की, अब इसके बाद बात करते हैं इसमें जो टाइपिंग के लिए रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या यहाँ पर मांगी गई है, चाहे वो कनिष्ठ सहायक की हो और या आशुलिपि को, इसके लिए अलग अलग क्या क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पर मांगी गई है उन सब के बारे में भी अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट आई थी, इसमें लगभग 60 के आसपास इसमें कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, इसमें जो आपको लेवल 3 की ये पोस्ट है, और इसमें जो टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात करें तो इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी के लिए जो है अलग अलग टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर आपसे मांगी गई है। तो अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं उसके लिए आपको 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। तो हिंदी में रिक्वायरमेंट है 25 वर्ड पर मिनट, यानी एक मिनट में आपको 25 वर्ड की टाइपिंग करनी है। और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं, यानी कि दोनों ऑप्शन आपके पास हिंदी या इंग्लिश में करने के लिए, और अंग्रेजी टाइपिंग में आपको इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी होगी, और जो अंग्रेजी में टाइपिंग करेगा उसके जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो उन अभ्यर्थी को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी, आयोग ने इसमें साफ साफ कहा है, जो अंग्रेजी में टाइपिंग करेंगे यानी इंग्लिश टाइपिंग वालों को इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये था हाईकोर्ट क्लर्क के टाइपिंग की रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्या आपसे मांगा जाएगा इसमें। अब उसी के बाद अगर बात करें जो व्यक्तिक सहायक यानी आशुलिपि की जो पोस्ट आई थी और जो व्यक्तिक सहायक की पोस्ट आई थी, ये जो है लेवल 5 से लेकर लेवल 7 तक की ये पोस्ट थी,
तो जो व्यक्तिगत सहायक और जो आशुलिपिक की पोस्ट है लेवल 5 से लेकर लेवल 7 तक की ये जॉब है, और इसमें जो टाइपिंग की रिक्वायरमेंट मांगी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसके टाइपिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हिंदी आशुलिपिक यानी अगर आप हिंदी में शॉर्ट हैंड करते हैं तो उसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट दी गई है, और साथ ही अगर इसके अलावा इसमें हिंदी में एक तो आपसे शॉर्ट हैंड की अलग से आपसे रिक्वायरमेंट मांगी गई है, साथ ही जो बेसिक टाइपिंग होती है जनरल टाइपिंग होती है उसमें अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो उसमें भी 25 वर्ड पर मिनट का आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। तो दो स्किल आपकी यहाँ पर देखी जाएगी, पहले तो हिंदी आशुलिपिक यानी हिंदी शॉर्ट हैंड में आपको 80 वर्ड पर मिनट का जो यहाँ पर स्पीड मांगी जाएगी, साथ ही जो हिंदी की टाइपिंग अगर आप करोगे बेसिक टाइपिंग तो इसमें आपको 25 वर्ड आपकी पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना होगा। तो पहला रिक्वायरमेंट इसमें ये है। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। अगर इंग्लिश में शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में शॉर्ट हैंड के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की शॉर्ट हैंड की स्पीड है, और साथ ही जो बेसिक जो जनरल टाइपिंग होती है उसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपको टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश आपको लिए ऑप्शन है, शॉर्ट हैंड के लिए अलग से टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है और हिंदी जो टाइपिंग है उसके लिए अलग से आप जो बेसिक टाइपिंग है वो उसकी रिक्वायरमेंट दी गई है, ठीक है। तो दो तरह की रिक्वायरमेंट आपसे यहाँ पर शॉर्ट हैंड के लिए यहाँ पर मांगी गई है, तो इसको इसकी आप तैयारियाँ शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्लर्क और जो व्यक्तिक सहायक है यानी शॉर्ट हैंड आशुलिपिक की जो पोस्ट है इसके लिए जो रिक्वायरमेंट मांगी गई थी उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो वेट करते हैं इसके फाइनल रिजल्ट का, उसके बाद देखते हैं इसकी जो क्या कितनी इसकी मेरिट यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। 80 प्लस वाले और 82 प्लस वाले जिनका स्कोर जा रहा है वो अपनी टाइपिंग की तैयारियाँ शुरू कर सकते हैं, हो सकता है कि उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाए। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।